दिल्ली में लगा कोरोना का वीकेंड कर्फ्यू, शनिवार और रविवार को बंद रहेगी राजधानी। डीडीएमए की बैठक में फैसला, सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग दफ्तर आ पाएंगे। दिल्ली में फिर से बसें और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, बिना मास्क वालों की एंट्री रहेगी बैन। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5,481 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 9% के करीब पहुंचा। ऑक्सीजन सप्लाई पर दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान, 53 सरकारी और निजी अस्पतालों के ऑक्सीजन टैंक में टेलीमेट्री डिवाइस लगेगा। दिल्ली में 50 से ज्यादा बेड वाले निजी अस्पताल और नर्सिंग होम को निर्देश, 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखें। दिल्ली एम्स में डॉक्टरों सहित सभी स्टाफ की सर्दियों की छुट्टियां रद्द, तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश। देश में एक दिन में कोरोना के 37,000 से ज्यादा नए केस, 124 की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया भरोसा, सभी राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी तैयारी पर नजर। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना, 18,466 मामले आए सामने, 20 की मौत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के भी 75 नए केस मिले, राज्य में कुल 653 ओमिक्रॉन संक्रमित। मुंबई में 24 घंटे में 10,860 नए संक्रमित मिले, 2 की गई जान। मुंबई में लॉकडाउन का खतरा, मेयर पेडनेकर बोली, रोजाना 20,000 केस आए तो लग सकता है लॉकडाउन। कडेलिया क्रूज पर सवार 66 में से 60 लोग मुंबई लौटे, सभी का हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट। पुणे में बिना मास्क के पकड़े जाने पर 800 रुपए का जुर्माना, सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पुणे में कोरोना केस बढ़ने के बाद पहली से आठवीं तक के स्कूल बंद, पॉजिटिविटी रेट 18% पर पहुंचा। बंगाल में कोरोना की रफ्तार तेज, 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा केस, 16 की मौत। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 14 छात्रों समेत 19 लोग कोरोना संक्रमित, सभी को आइसोलेट किया गया। गुजरात में कोरोना के 2,265 नए केस, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 1,214 केस। यूपी में एक दिन में कोरोना के 992 नए मामले आए सामने, 24 घंटे में किसी की मौत नहीं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मास्क थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला। बिहार में कोरोना के 893 नए मरीज मिले, सबसे ज्यादा 565 मामले पटना से सामने आए। बिहार में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, सिनेमा हॉल क्लब स्टेडियम बंद रहेंगे, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बिहार में शादी विवाह में अधिकतम 50 मेहमान हो सकेंगे शामिल, अंतिम संस्कार में 20 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत। सभी पूजा स्थलों को भी किया गया बंद, सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। पटना एनएमसीएच में फिर 55 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स मिले संक्रमित, एनएमसीएच में अब तक 223 डॉक्टर संक्रमित पाए गए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कोरोना पॉजिटिव, सोमवार रात से है हल्का बुखार। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले बढ़े, 24 घंटे में 310 नए केस, 1 की मौत। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, सभी जिलों में जुलूस रैलियों और पब्लिक गैदरिंग पर रोक। झारखंड सरकार कोरोना पर हुई अलर्ट, एयरपोर्ट पर ही होगा फ्री कोविड टेस्ट, फुली वैक्सीनेटेड लोगों को टेस्ट से मिलेगी छूट, 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होगी मान्य। लुधियाना के डीएमसी नर्सिंग कॉलेज में 41 छात्र कोरोना संक्रमित, 23 छात्रों को भर्ती कराया गया। पंजाब में कोरोना की नई गाइडलाइन, सिनेमा हॉल बार रेस्टोरेंट और मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। पंजाब में रात 10 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, गैर जरूरी वाहनों की आवाजाही पर रोक। केरल में कोरोना के 3,640 नए संक्रमित मिले, 24 घंटे में 30 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 2,479 नए केस दर्ज, 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। बेंगलुरु के लिए नई गाइडलाइन जारी, 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू भी लागू। सिनेमाघर पब रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ चलेंगे, 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन। फ्रांस में कोरोना का नया वेरिएंट IHU, विशेषज्ञों ने बताया ओमिक्रॉन से ज्यादा संक्रामक। जर्मनी में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 11 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। अखिलेश के सपने वाले बयान पर सीएम योगी ने कहा, विपक्ष को अब याद आ रहे हैं भगवान राम और कृष्ण। सीएम योगी ने अखिलेश की तुलना गिरगिट से की, राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए कहा। सीएम योगी का अटैक, पहले की सरकार आतंकियों के मुकदमे वापस लेती थी, आज उनको ठोकने के लिए बना रहे हैं ATS का सेंटर। केशव प्रसाद मौर्य ने ली चुटकी, बोले कोई अखिलेश के बहकावे में नहीं आएगा, 2022 हार चुके, 2027 की तैयारी करें। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले, हार के डर से बौखलाए अखिलेश यादव, इसलिए दे रहे हैं ऐसा बयान। अखिलेश यादव ने कहा था, हर रात उनके सपने में आते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं समाजवादी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश के बयान से संत नाराज, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करेगी बीजेपी, करीब 300 विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण सम्मेलन। 5 राज्यों में चुनाव का जल्द हो सकता है ऐलान, 10 से 13 जनवरी के बीच हो सकती है तारीखों की घोषणा। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष AK शर्मा का हमला, कहा पहले भ्रष्टाचार का था बोलबाला, योगी सरकार में ईमानदारी पारदर्शिता से हो रहा है काम। मिशन उत्तर प्रदेश के तहत मऊ के दौरे पर थे बीजेपी MLC AK शर्मा, कहा पहले की सरकारों ने विकास नहीं जातिवाद को दिया बढ़ावा। पंजाब के सीएम चन्नी ने केजरीवाल को बताया कोरोना का, हमें बाहर से आई बीमारी नहीं चाहिए। सीएम चन्नी ने खेला दलित कार्ड, दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण का पूरा खर्च उठाएगी पंजाब सरकार। बरेली में कांग्रेस की मैराथन दौड़ में मची भगदड़ पर सिटी मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश, रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। बरेली की घटना पर बीजेपी महिला मोर्चा का ट्वीट, झांसी में पिटवाया, लखनऊ में भूखे घुमाया और बरेली में कुचलवाया। सेना के जवानों ने गलवान घाटी में 1 जनवरी को फहराया तिरंगा,
चीन के प्रोपेगेंडा को दिया जवाब। चीन ने गलवान घाटी में अपना झंडा फहराने का जारी किया था फेक वीडियो, भारतीय जवानों ने तिरंगा लहराकर दिया जवाब। राहुल गांधी ने लद्दाख में पेंगोंग झील के पास चीन के पुल बनाने की खबरों पर सरकार से मांगा जवाब, सरकार से चुप्पी तोड़ने के लिए कहा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का पलटवार, गलवान में तिरंगा राहुल गांधी को खलता है। नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी ने खोला तोहफों का पिटारा, मणिपुर और त्रिपुरा को 4,800 करोड़ की सौगात। मणिपुर में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, सत्ता के लिए कुछ लोग करना चाहते हैं मणिपुर को फिर से अस्थिर। पीएम मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन, आधुनिक सुविधाओं से है लैस। नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, ईरा से अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है त्रिपुरा। अगरतला में पीएम मोदी ने लोक कलाकार के साथ दी ढोल पर थाप, वाद्य यंत्र पर भी हाथ आजमाया। 5 जनवरी को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। आजादी के अमृत महोत्सव पर स्कूलों में सूर्य नमस्कार के फरमान पर विवाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के आदेश को इस्लाम के खिलाफ बताया, आदेश वापस ले सरकार कहा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर भड़के यूपी के मंत्री मोहसिन रजा, कहा न धर्म का पता न दुनिया की जानकारी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को बताया दकियानूसी, कहा देश को गुमराह मत करो। रजा एकेडमी ने भी सूर्य नमस्कार का किया विरोध, सूर्य नमस्कार को बताया पूजा का एक रूप, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं कहा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बीजेपी के पूर्व विधायक गुरचरण पर नक्सलियों का हमला, 2 बॉडीगार्ड की हत्या। बीजेपी की नियुक्ति मामले में पंजाब सरकार को झटका, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का नाम सरकार भेजे गए पैनल में शामिल नहीं। भारत को मिला एक और एंटी सबमरीन P-81 विमान, गोवा नेवल बेस पर 2 MiG-29 लड़ाकू विमानों ने किया स्वागत। लखनऊ को सीएम योगी की सौगात, 3200 करोड़ से अधिक की नगरीय विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम योगी ने पीएम आवास योजना के तहत 500 करोड़ से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की, 50,000 परिवार को मिली राशि। बीकानेर में दिनदहाड़े युवक पर हमला, पहले मारी गोली, मौत नहीं हुई तो तलवार लाठियों से किया वार। दिल्ली में ड्रग्स तस्करी के आरोप में 22 साल की लड़की गिरफ्तार, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए करती थी ड्रग्स की तस्करी। दिल्ली पुलिस ने 150 लोगों से ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया, विदेश में काम दिलवाने के नाम पर करता था ठगी। बिहार के गया से 2 गोल्ड तस्कर गिरफ्तार, करीब 3 करोड़ का सोना बरामद। मध्य प्रदेश में कथावाचक तरुण मुरारी बापू पर केस दर्ज, महात्मा गांधी को कहा था देशद्रोही। बुल्ली बाई ऐप मामलों में अब तक 2 गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी विशाल कुमार झा को बांद्रा कोर्ट ने 10 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा। बुल्ली बाई ऐप मामले में उत्तराखंड के रुद्रपुर से 18 साल की लड़की गिरफ्तार, स्थानीय कोर्ट ने मुंबई पुलिस को 4 दिन की हिरासत में सौंपा। बीजेपी विधायक नितेश राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, 7 जनवरी तक पुलिस नहीं करेगी कोई कार्रवाई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बेल याचिका दायर की, बुधवार को सुनवाई। जावेद अख्तर को मुंबई की कोर्ट से झटका, कंगना रनौत के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग खारिज की। थाने में 22 करोड़ रुपए के नकली GST इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का भंडाफोड़, 2 की गिरफ्तारी। यूपी के हमीरपुर में नाबालिग दलित लड़की से रेप के आरोप में गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश जारी। गोरखपुर में पुलिस पर पथराव और फायरिंग करने वाले गौ तस्कर गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश, पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 लोगों को पकड़ा। यूपी के मैनपुरी में 3 चोर पुलिस के हत्थे चढ़े, चोरी का सामान और 3 तमंचे बरामद हुए। श्रीलंका ने $1 अरब के राहत पैकेज की घोषणा की, वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे का दावा, देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज डिफॉल्ट नहीं करेगा। दक्षिण पश्चिमी चीन में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लैंडस्लाइड, बिल्डिंग धंसने से 14 लोगों की मौत हुई। पूर्वी रूस में भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। जोहान्सबर्ग टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म, भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट गंवाकर 85 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा 35 और अजिंक्य रहाणे 11 रन बनाकर नाबाद, KL राहुल ने 8 और मयंक अग्रवाल ने 23 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 229 रन पर सिमटी, शार्दुल ठाकुर ने 7 विकेट लिए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 28 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत ₹74.56 रही और सेंसेक्स में 672 अंक की उछाल, निफ्टी भी 179 अंक चढ़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।